नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो पटना से आ रही है। यहां पर एसके पूरी इलाके में 9 लाख की लूट हुई है। एटीएम में पैसा जमा करने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गार्ड को गोली मारी है। अल्पना मार्केट के पास एटीएम की घटना है ये। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि बदमाशों ने गार्ड को पहले गोली मारी और उसके बाद यहां पर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अल्पना मार्केट के पास ये एटीएम लगा था जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उसी एटीएम की जहां से इस घटना को अंजाम दिया है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जो गार्ड वहां पर तैनात था एटीएम के बाहर, पहले उसे गोली मारी और उसके बाद एटीएम में पैसा जमा करने के दौरान उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? अब बिल्कुल देखिए, ये पटना का बहुत व्यस्तम इलाका है और इसके पूरी थाना क्षेत्र के ये अल्पना मार्केट की घटना है जो कि दिन दहाड़े जो है 3 की संख्या में अपराधी आए थे और उसके बाद तो कैशरेन जो गार्ड होते हैं जो एटीएम में पैसा डालते हैं उनको लूट करने के लिए कोशिश की और जब उनका विरोध किया तो उसी वक्त उन्होंने अपराधियों ने गार्ड पर गोली चला दी जिससे गार्ड की गोली लग चुकी है और वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो पटना के सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी है उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है कि 9 लाख रुपए की लूट हुई है और इसमें 3 अपराधी आए थे। हालांकि जो सबसे बड़ी बात है अपराधियों ने जो साहस दिखाया है उससे यह पता चलता है कि बेखौफ अपराधी हो चुके हैं। लेकिन संजय, क्या इससे ये नहीं पता चलता कि बहुत दिनों से वो इस जगह की रेकी कर रहे थे, उनको टाइमिंग पता थी कि कब वो कैशमैन यहाँ पर आता है, उनको तमाम चीजें यहाँ पर पता थी कि किस हालात में वो तुरंत फरार हो सकते हैं यहाँ से घटनाक्रम को अंजाम देकर? और बिल्कुल देखिए, जो अपराधी घटना को अंजाम दिया है वो बिना रेकी किए हुए नहीं कर सकते हैं और रेकी करके इनके घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद इतने व्यस्तम इलाके से फरार हो जाना ये कहीं ना कहीं पटना पुलिस के कचहरी पे सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि पटना पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे आए हैं उस पर जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पटना में जिस तरीके से आपराधिक घटना हो रहे हैं उस पर पटना के एसएसपी ने साफ तौर पर सभी थानाध्यक्षों को कहा था कि गश्ती में तेजी लाएं और इसी के लिए 2 दिन पहले ही जितने भी क्विक मोबाइल थे कई थाना के तकरीबन 140 क्विक मोबाइल को इधर से उधर किया गया था। उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लेकिन जहां तक एक बात और बताएं कि पटना में हर जगह चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, बावजूद उसके ट्रिपल लोडिंग जो है वो तीनों कोई घूमते आया हो हथियार लेकर के घटना को अंजाम दे दिया तो ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल तो क्या सारी व्यस्तता शराब को लेकर रोकने के लिए ही है क्या? बाकी चीजों पर ध्यान फिलहाल पुलिस का लग रहा है उतना नहीं है इस घटना से तो कम संजय ये लग रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।